रामू एक गरीब किसान था। उसकी पत्नी और एक बेटी थी। वह अपनी पत्नी और बेटी का पालन पोषण करने के लिए बहुत मेहनत करता था। वह सुबह जल्दी उठकर खेत जाता था और शाम को देर तक काम करता था। उसकी पत्नी घर का कामकाज करती थी और उनकी बेटी स्कूल जाती थी। एक दिन रामू खेत में काम कर रहा था कि उसे अचानक चोट लग गई। वह गिर गया और उसे अपने हाथ में बहुत दर्द हुआ। उसने अपने बेटी को बुलाया और उसे खेत से घर जाने के लिए कहा। रामू की बेटी घर गई और अपनी माँ को बताया कि उसके पिता को खेत में चोट लग गई है। रामू की माँ बहुत चिंतित हो गई। वह रामू को देखने के लिए खेत गई। रामू की माँ ने रामू को अस्पताल ले जाया। डॉक्टर ने रामू के हाथ की जाँच की और कहा कि रामू के हाथ में फ्रैक्चर हो गया है। डॉक्टर ने रामू को अस्पताल में भर्ती होने की सलाह दी। रामू को अस्पताल में भर्ती कर लिया गया। वह कई दिनों तक अस्पताल में रहा। उसके हाथ की सर्जरी हुई और वह ठीक होने लगा। रामू के हाथ ठीक होने में कई महीने लगे। जब रामू के हाथ ठीक हो गए तो वह घर लौट आया। वह बहुत खुश था कि वह फिर से काम कर सकता है। लेकिन रामू के हाथ ठीक होने के बाद भी उसकी पत्नी और बेटी को बहुत परेशानी हुई। रामू काम नहीं कर पा रहा था, इसलिए घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया। रामू की पत्नी को घर का कामकाज और खेती दोनों काम करने पड़े। उनकी बेटी को स्कूल जाना बंद करना पड़ा क्योंकि उसकी माँ को उसकी मदद की जरूरत थी। एक दिन रामू की बेटी को स्कूल जाने की बहुत इच्छा हुई। उसने अपनी माँ से कहा कि वह स्कूल जाना चाहती है। रामू की पत्नी ने रामू से बात की। रामू ने कहा कि वह अपनी बेटी को स्कूल नहीं भेज सकता क्योंकि उसके पास पैसे नहीं हैं। रामू की बेटी बहुत निराश हो गई। वह स्कूल जाना चाहती थी लेकिन उसके पिता ने उसे जाने से मना कर दिया था। रामू की बेटी एक दिन चुपके से स्कूल चली गई। उसने अपनी माँ से नहीं बताया। स्कूल में रामू की बेटी बहुत खुश थी। उसने अपने दोस्तों के साथ खेला और पढ़ाई की। शाम को जब रामू की बेटी घर वापस आई तो उसकी माँ बहुत गुस्सा हुई। उसने रामू की बेटी को डांटा और उसे फिर से कभी स्कूल नहीं जाने के लिए कहा। रामू की बेटी बहुत दुखी हो गई। वह रोने लगी। रामू ने अपनी बेटी को चुप कराया और उसे समझाया कि वह उसे स्कूल नहीं भेज सकता क्योंकि उसके पास पैसे नहीं हैं। रामू की बेटी ने अपने पिता से कहा कि वह पैसे कमाने के लिए काम करेगी। उसने कहा कि वह स्कूल जाना चाहती है और अपने पिता की मदद करना चाहती है। रामू को अपनी बेटी की बात सुनकर बहुत खुशी हुई। उसने अपनी बेटी को स्कूल जाने की अनुमति दे दी। रामू की बेटी बहुत खुश थी। वह स्कूल जाने लगी और अपनी पढ़ाई में बहुत मेहनत करने लगी। उसने अपने पिता की मदद करने के लिए भी काम करना शुरू कर दिया। रामू की बेटी ने अपनी मेहनत से अपनी पढ़ाई पूरी की और एक अच्छी नौकरी मिली। वह अपने पिता का बहुत ध्यान रखती थी और उनके लिए सब कुछ करती थी। रामू बहुत खुश था कि उसकी बेटी ने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक अच्छी नौकरी मिली। वह अपनी बेटी पर बहुत गर्व करता था। यह कहानी एक पिता और उसकी बेटी के बीच के प्रेम और समर्पण की कहानी है। रामू एक गरीब किसान था लेकिन वह अपनी बेटी को शिक्षित करना चाहता था। उसकी बेटी ने भी अपने की परवरिश कर ली।